So hey guys, Akshat is back again with a brand new video. Today's video is going to be how to install hydraulic disc brake. क्योंकि भाई आप लोग ने पिछले वाले वीडियो पे इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया. वेल पिछला वाला वीडियो था इंस्टॉलेशन ऑफ सस्पेंशन. अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक रखा है या फिर ऊपर भी लिंक आता ही होगा, वहाँ से आकर देख सकते हो. तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे हाइड्रोलिक ब्रेक इंस्टॉलेशन. बट इससे पहले मेरे साथ एक चीज़ हो चुका है जो अभी आप देख पा रहे होंगे. यहाँ पे हमारा सस्पेंशन निकाल दिया है मैंने बिकॉज कुछ एक्सीडेंट हो गया था और उसका कुछ क्लिप्स आपको दिख रहा होगा. एंड सस्पेंशन था वो रिप्लेसमेंट तो हो गया, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप चीप प्राइस का थोड़ा सस्पेंशन लो. मैं तो इस बार ऐसा ले रहा हूँ जैसा ये वेल्डेड है, वेल्डेड ले रहा हूँ. बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई तू बोलता था क्राउन अच्छा होता, क्राउन होता है, क्राउन अच्छा होता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से आप देखो तो टेक्नोलॉजी तो भाई सेम यूज़ होता है, बट टेक्नोलॉजी का क्वालिटी डिफ़र करता है. तो जैसे कि टेक्नोलॉजी का क्वालिटी डिफ़र करेगा तब तो भाई आपका रिलायबिलिटी भी डिफ़र करेगा. तो डिफ़र किया भाई, मेरा क्रैश हुआ है, राइट शोल्डर इंजर्ड है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिप्लेस हो गया. मे बी इसका एक सेपरेट वीडियो आपको देखने के लिए मिले कैसे हुआ क्या हुआ. तो यही है, आज हम लोग आपको दिखाएंगे हाइड्रोलिक ब्रेक जो हमने इंस्टॉल किया है. काफ़ी अच्छा हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, शिमानो MT200 एंड MT201. इसका अनबॉक्सिंग भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो. और यहाँ पे मैंने पहले इंस्टॉल कर दिया है, कोई इसमें इंस्टॉलेशन करने का ज़्यादा झंझट नहीं है. मैं जानता हूँ भाई आप लोग को आता है इंस्टॉल करना, नहीं आता है तब आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ. सॉरी रिंग फिंगर आया होगा. तो ये आप देख सकते हो, हम लोग को बस ये दो बोल्ट्स को निकालना रहता है, उसके एडजस्ट करके टाइट करना रहता है. एंड उसके बाद जो लीवर है, लीवर को भी हम लोग को बस स्लाइड इन करना है ग्रिप्स निकाल के. काफ़ी ज़्यादा ईजी है. अगर आप बोलोगे तो भाई मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है. और यहाँ पे भी हम लोग का हाइड्रोलिक ब्रेक से अभी हम लोग उसकी आपको टेस्टिंग दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए. एंड सो भाई वीडियो को करिए लाइक, एंड लाइक है इस बार 700 लाइक्स का. एंड नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर सकते हो, करोगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. वेल इस वीडियो का लाइक है मैं 700 तो कम्प्लीट करा देना. अगर कम्प्लीट करा दोगे कमेंट्स कर देना अगला वीडियो का टॉपिक क्या है, मेरे को तो इसके बाद कोई टॉपिक मिल नहीं रहा है. खैर हम लोग वीडियो को करेंगे एंड 700 लाइक्स पे हम लोग करने के हवाले हैं. मैं जो अभी क्रैश हुआ था ना सस्पेंशन टूटने के बाद, क्यों क्रैश हुआ कैसे क्रैश हुआ वो सब आपको बताऊंगा. 700 लाइक्स आप जल्दी से कंप्लीट करा दो. तो डायरेक्ट हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं. इस बार टेस्ट करने वाले अपने हाइड्रोलिक ब्रेक्स को. इंस्टॉलेशन का टाइटल होगा, लेकिन भाई इंस्टॉलेशन तो सबको आता है, वो सिर्फ बोलने को हाउ टू इंस्टॉल नहीं जानते हो तब मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ. तो डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट. अभी मैंने नोटिस किया ना भाई, जो लीवर है वो थोड़ा सा आगे की ओर है, तो भाई परफेक्ट व्हीली तो नहीं हो रहा, लेकिन भाई बहुत ज्यादा पावरफुल ब्रेक है. अभी मैं आपको कुछ व्हीली कर सकता हूँ इस पे. स्केट मार के दिखा. हाँ क्या ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट.
उससे चक्का खराब हो जाता है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पर हम लोग व्हीली करते हैं। व्हीली अच्छा जा रहा है, टू पिस्टन का ब्रेक है, बट स्टिल काफी अच्छा प्राइस के हिसाब से देखो। अगर आपको और अच्छा ब्रेक चाहिए तो आप M395 पे भी जा सकते हो, वो भी काफी अच्छा है चीप प्राइस में। चीप थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा है। चलिए हम लोग डायरेक्ट वीडियो टेस्टिंग शुरू करते हैं। एंड अभी आपने देखा होगा भाई कितना ज्यादा अजीब तरीके से करा था भाई, क्योंकि ब्रेक का आदत ही नहीं है इसका, बहुत पावरफुल है। अच्छा, बहुत ज्यादा पावरफुल। सो कुछ व्हीलीज और करते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइड्रोलिक ब्रेक्स को। यहाँ पे आपको नट दिख रहा है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो कितना आपको ट्रैवल मिलना चाहिए। एंड दिस इज MT201 फ्रंट का भी हो गया है, पहले रियर था, अब फ्रंट हो गया केबल स्वैप करने के बाद। एंड रियर का हो गया MT200। एंड जो दोनों में कॉमन डिस्टेंस, स्लाइड से डिफरेंस आपको जल्दी से दिखाते हैं। ये MT201 का लीवर थोड़ा सा छोटा होता है एंड MT200 का लीवर थोड़ा सा लंबा होता है। अगर आप बिगिनर हो तब आप लंबे लीवर पे जा सकते हो थ्री फिंगर के लिए, एंड अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तब आप ये वाले लीवर पे जा सकते हो। ये भी थ्री फिंगर है बट शॉर्ट लीवर है। तो व्हीली करते हैं, मैम यहीं रहता है। तो गाइस अभी मैं हेलमेट पहनना भूल गया तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सॉरी, मेरे पास हेलमेट है भाई। बहुत सारे लोग कमेंट करते हो हेलमेट है भाई, भूल जाता हूँ, या फिर जानते हो ना ऐसे आप वीडियो बना तो पहन लिया करो, काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस है, बट अभी पहन लेना, उसके लिए माफ़ कर देना। एंड प्लीज़ कंप्लीट द लाइक एम ऑफ 7, बहुत ज़्यादा बार इस बार मैंने बोल दिया, तो सब्सक्राइब भी कर दिया। सो गाइस आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे भाई हाइड्रोलिक ब्रेक्स का पावर कैसा होता है। भाई बहुत पावरफुल ब्रेक था, एंड वीडियो में जैसे कि आपने देखा भाई व्हीली कितना क्या होता है रिस्पॉन्सिवली तरीके से स्टॉप हो रहा था बार बार, आपने देखा ही होगा। मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि धूप निकल गया था। सो यही था इस वीडियो में, वीडियो अच्छा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को याद है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो भाई नेक्स्ट टॉपिक होगा वो शायद होगा जो क्रैश हुआ था मेरा, उसका मैं पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, विच कंपनी का सस्पेंशन है सब आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।